हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट थर्ड का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम लोग का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए होगा। ओके, इससे पहले लेक्चर में हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स आप जेफेट को देख चुके थे, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसको भी हम लोग समझ चुके थे। तो अगर अभी तक आप वो वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक आप जेफेट वाला लेक्चर जाके देख लीजिए, क्योंकि आज का ये जो मेरा लेक्चर होगा उसी लेक्चर के बिहाव पर होगा। ठीक, कल जब हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को पढ़े थे तो हम लोग को आईडी और वीडीएस में कुछ ऐसा रिलेशन मिला था। ठीक, इसी ग्राफ के हिसाब से आज हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, तो देखिए, जब कल हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या रिलेशन लिखे थे, वहाँ पे हम लोग आईडी और वीडीएस में रिलेशन निकाले थे, उस दरमियान हम लोग वीजीएस को क्या किए थे, कांस्टेंट रखे थे। ठीक, मतलब पर्टिकुलर किसी वीजीएस के वैल्यू के लिए हम लोग वीडीएस को बढ़ाते थे और आईडी के लिए ग्राफ को प्लाट करते हुए चले गए थे। ठीक, आज के केस में जब हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे तो आज क्या करेंगे, इस वीडीएस को क्या करेंगे, कांस्टेंट रख लेंगे और वीजीएस के वैल्यू को वेरी कराते जाएंगे और उसके बिहाव पर हम लोग ड्रेन करंट को क्या करेंगे, मेजर करते हुए चल जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है अ प्लॉट ऑफ आईडी मतलब ड्रेन करंट वर्सेस वीजीएस मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर फेट या फॉर जेफेट, जो लिखिए सही है। ठीक, फॉरफेट कमा कीपिंग ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS कांस्टेंट। ठीक, तो क्या करेंगे, एक हम लोग ग्राफ प्लाट करेंगे जो क्या होगा, आईडी और VGS में होगा, उस दरमियान हम लोग क्या करेंगे, जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखेंगे। अब ये जो ग्राफ हम लोग का निकल के आएगा, जो ग्राफ बनेगा वही क्या कहलाएगा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो देखिए क्या लिखे हैं, इज नोन एज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखे हैं, आईडी इज मेजर्ड एज सैचुरेशन करंट वैल्यू फॉर ईच वीजीएस वैल्यू। ठीक, अब जो आईडी हम लोग मेजर करेंगे वो सैचुरेशन करंट के वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, मतलब हर एक वीजीएस के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, एज अ आईडी क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक, आगे अभी जब ग्राफ में जाएंगे तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए फिर यहाँ पे लिखे हैं वन कैन ड्रा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स विथ हेल्प ऑफ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, अब जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक का नॉलेज होना चाहिए तभी आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को समझ पाएंगे। ठीक, तो देखिए कल हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को कुछ ऐसे क्या किए थे, ड्रा किए थे। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एक्स एक्सिस पे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लिए थे, फिर वाई एक्सिस पे ड्रेन करंट लिए थे। ठीक, ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है इसको आप कह सकते हैं कि किस में है, वोल्ट में है, और जो ड्रेन करंट है उसको आप मिली एम्पियर में कह सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, गेट टू सोर्स वोल्टेज जो था उसको क्या किए थे, जीरो पर रखे थे, मतलब गेट सोर्स टर्मिनल को आपस में शॉर्ट सर्किट किए थे। तो उस दरमियान हम लोग क्या देखे थे कि जैसे जैसे हम लोग ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ा रहे थे, आईडी क्या हो रहा था, लीनियरली बढ़ना शुरू हो रहा था और एक ऐसा पॉइंट आ रहा था जिसके बाद क्या हो रहा था, वो कांस्टेंट हो जा रहा था और इसी को हम लोग क्या कर दिए थे, पिंच ऑफ वोल्टेज कर दिए थे, और इसके आगे कांस्टेंट था और फिर क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता था। ठीक, तो वो वाला नहीं प्लाट किया, उससे हम लोग को नहीं कुछ लेना देना है, हम लोग को बस क्या करना है, इस सेचुरेशन ये जो यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज वाला पॉइंट है उससे हम लोग को क्या करना है, इसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक वगैरह क्या करना है, ड्रा करना है, इस वजह से बस इतना पोर्शन ही बनाए हुए हैं। क्लियर, अगर आपको मन करे तो आप ब्रेकडाउन वाला भी बना सकते हैं। क्लियर, फिर उसके बाद ये तो हम लोग का फर्स्ट कंडीशन था, और जहाँ से हम लोग का करंट कांस्टेंट होना शुरू हुआ था उसी को हम लोग क्या कर दिए थे, मैक्सिमम करंट का कंडीशन था और वही हम लोग का क्या था, IDSS था। ठीक, फिर हम लोग क्या किए थे, दूसरा कंडीशन लगाए थे, उसमें क्या किए थे, गेट टू सोर्स वोल्टेज को क्या किए थे हम लोग, निगेटिव रखे थे। ठीक, मतलब एक बैटरी लगाए थे जो गेट को निगेटिव और सोर्स को पॉजिटिव बनाया हुआ था। ठीक, तो अगर हम लोग -1 वोल्ट की बैटरी रखे थे तो क्या हो रहा था, करंट का जो वैल्यू था अब क्या हो रहा था, घटना शुरू हो गया था। ठीक, अब जो पिंच ऑफ था वो क्या हो गया, इधर ओरिजिन की तरफ खिसकना शुरू हो गया था। ठीक, तो अब कुछ पहले ही हम लोग को पिंच ऑफ वोल्टेज मिल जाता था और
जो करंट है वो क्या हो रहा था, कम ही वैल्यू पे कांस्टेंट होना शुरू हो जा रही थी। फिर अगर वोल्टेज हम लोग और बढ़ा रहे थे, मतलब और निगेटिव में जा रहे थे, तब ये जो ग्राफ, ये करंट का जो वैल्यू है और नीचे शिफ्ट हो रहा था और पिंच अप और लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा था। फिर ऐसे आगे बढ़ा रहे थे तो और नीचे क्या हो रहा था, शिफ्ट होते चला जा रहा था। ठीक, हम लोग एग्जाम्पल भी लिए थे कि हम लोग क्या मान रहे हैं कि जब हम लोग का VDS क्या था, 4 वोल्ट था और VGS 0 वोल्ट था, तो उस टाइम पर हम लोग कंडीशन मान के ग्राफ को प्लाट किए थे। मतलब VGS 0 वोल्ट और ये VDS 4 वोल्ट है, तो हम लोग को उस टाइम क्या होता था, पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वाला कंडीशन मिलता था, इसी को हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज कहते थे। ठीक, तो फिर हम लोग समझे थे कि जब VGS को -1 वोल्ट कर देंगे तो VDS को 3 वोल्ट रखने पे क्या होगा, पिंच ऑफ वाला मिल जाएगा। ऐसे हम लोग समझते हो ग्राफ को प्लॉट किए थे। फिर -2 करेंगे तो VDS 2 वोल्ट रखने पे ही मिल जा रहा था। फिर -3 करेंगे तो VDS को 1 वोल्ट रखने मिल जा रहा था। लेकिन फिर जब अगला हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, इस VGS को -4 वोल्ट कर दे रहे थे, तो क्या हो रहा था, अब VDS हम लोग नहीं लगाए, मतलब ये VDS क्या है, 0 वोल्ट है, तब भी क्या हो रहा था, हम लोग को पिंच ऑफ मिलना शुरू होता था और वो पिंच ऑफ यहीं पे मिलता था। और जो ड्रेन करंट है, देखिए यहाँ तक बना है, ये ड्रेन करंट क्या होती थी, 0 हो जाती थी और ये कट ऑफ कंडीशन में चला जाता था। क्लियर, बात समझ में आया। हम लोग को करना क्या था, जो हम लोग का ये जंक्शन डेवलप हुआ था यहाँ पे, इसमें ये एन टाइप था, पी टाइप था, इसके क्रॉस 4 वोल्ट का रिवर्स बायस पोटेंशियल लगाना था। ठीक, तो जब हम लोग VGS को ऑलरेडी क्या कर दिए थे, -4 वोल्ट कर दिए थे, तो अगर हम लोग VDS 0 ही रखे हैं तब भी हम लोग को क्या होगा, पिंच ऑफ कंडीशन मिलने लगेगा। इस वजह से VDS के 0 वोल्ट पे ही क्या था, जो हम लोग का ड्रेन, ये VDS के 0 वोल्ट पे ही ये VDS -4 वोल्ट हो गया था, मतलब पिंच ऑफ कंडीशन मिल गया था। और उस दरमियान क्या होता था, ये जो ड्रेन करंट है ये पूरा का पूरा क्या हो रहा था, 0 हो जा रहा था, क्योंकि पिंच ऑफ यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो करंट क्या होगा, पिंच ऑफ के बाद कांस्टेंट बना रहता है, तो यहाँ से ऐसे कांस्टेंट बनना शुरू हो गया था। और आईडी का वैल्यू इस पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आईडी क्या है, वाई एक्सिस पे खींचा गया है, तो एक्स एक्सिस उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, तो ऐसे हम लोग क्या किए थे, कल ग्राफ प्लॉट किए थे और इसी वोल्टेज को हम लोग क्या कर दिए थे, पिंच ऑफ वोल्टेज है। ठीक, इसी को VGS इक्वल टू -VP करके क्या किए थे, लिख दिए थे। क्लियर, अब देखिए इसी के बिहाव पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। ठीक, तो देखिए ऐसे इधर लाइन बढ़ाए हैं, एक इधर बना दिए हैं आईडी, मतलब ड्रेन करंट का एक्सेस है, और एक इधर बना दिए हैं, ये हम लोग का क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज है। क्लियर, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट बनाए रखना है। ठीक, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जब ये वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें आप क्या पाएंगे कि ये जो डिफरेंस है जैसे जैसे नीचे जाते हैं घटता हुआ चला जाता है। ठीक, जब प्रैक्टिकल आपके सर लोग कराएंगे तो उसमें बताएंगे, ऊपर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, फिर ये और कम होगा, ये और कम होगा, ये और कम होगा, ऐसे नीचे की तरफ क्या होगा, डिफरेंस घटता हुआ चला जाता है। क्लियर, अब देखिए हम लोग को करना क्या है, अब हर एक VGS के करस्पॉन्डिंग, हर एक VGS के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम ड्रेन करंट मिला है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लाकर इस पे मिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ाते हुए चल जाएंगे। ठीक, तो देखिए डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हुए चले गए। ठीक, और इस पे क्या लिए हैं, VGS का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लिए हैं। ये क्या है, ओरिजिन 0 वोल्ट, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, ऐसे ले लिए। ठीक, अब यहाँ से ऊपर ऐसे डॉटेड लाइन खींचे हैं और इधर वाले वैल्यू को ऐसे मिलाते हुए चले आए, तो यहाँ पे कट गया एक पॉइंट हम लोग का, ये हो गया। ठीक, फिर इसको ऐसे इधर लाते हुए चले गए हैं और यहाँ -2 वाले को ऊपर लाए, यहाँ पे कट किया एक पॉइंट, ये हो गया। और इसको जो सेचुरेशन करेंट था, ये क्या है आपका, IDSS है। ठीक, ये मैक्सिमम ड्रेन करंट है, जब हम लोग का क्या है, गेट क्या था, शॉर्ट सर्किट था। ठीक, तो ये IDSS वाला आके यहाँ कट कर देगा। क्लियर, IDSS वाला कट करेगा, जब VGS का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो VGS इक्वल टू 0 पर IDSS मिलता है, तो VGS का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या, 0 है, तो IDSS हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर इतना चीज। अब देखिए इधर से जो सेचुरेशन पॉइंट है VGS -1 के करस्पॉन्डिंग, उसको ऐसे बढ़ाए और ये वोल्टेज को ऐसे बढ़ाए, जहाँ कट गया एक पॉइंट ये मिला। फिर -2 के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन पॉइंट था उसको ऐसे बढ़ाए और इसको नीचे से वोल्टेज वाला ऐसे बढ़ाए, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला। अब फिर -3 करस्पॉन्डिंग इसको ऐसे इधर बढ़ाए और इसको ऊपर ऐसे बढ़ाए, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला। अब क्या -4 पे जो है वो क्या है, यहीं ओरिजिन पे है। ठीक, तो इसको ऐसे यहाँ पे क्या मिला है और ये भी क्या रहेगा, यहीं पे मिल जाएगा, दोनों यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि वो क्या है, इसी एक्सिस पे पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस पे। क्लियर, तो ये हम लोग का पॉइंट क्या होगा, ये VGS इक्वल टू VP होगा। क्लियर, यहाँ पे वोल्टेज को ऑलरेडी हम लोग माइनस में दिखाए हैं, इस वजह से VGS इक्वल टू VP लिख रहे हैं। यहाँ वोल्टेज हम लोग का क्या है, ये जो वोल्टेज है इधर क्या है, ये सब हम लोग प्लस में लिखे थे, ये जो वोल्टेज VP है क्या है,
फोर वोल्ट था, ये वीपी हम लोग क्या कंसीडर किए थे, फोर वोल्ट कंसीडर किए थे, ठीक। तो इस वजह से यहाँ वीजीएस इक्वल टू माइनस वीपी लिखे हैं, ठीक। लेकिन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे वोल्टेज के साथ माइनस साइन को क्या किए, इंक्लूड कर दिए हैं, इस वजह से यहाँ वीजीएस इक्वल टू बस वीपी लिखे हुए हैं। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, अब जितने भी पॉइंट आए हैं सबको क्या करेंगे, आपस में मिलाते हुए चल जाएंगे, तो हम लोग को क्या होगा, एक ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, ठीक। तो कुछ ये पैराबोलिक शेप का ऐसे कुछ ये ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक क्या होता है हम लोग को मिलता है, ठीक। इसके लिए आगे आने लेक्चर में हम लोग डायोड करंट का इक्वेशन भी निकालेंगे, वहाँ से भी आप समझ जाएंगे कि कैसे ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे मिल रहा है, ये लीनियर ना मिल के कुछ एक आप ऐसे कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल शेप का क्या होता है मिलता है, ठीक। यही हम लोग का क्या होगा, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक होगा, ओके। अगर ये हर एक गैप जो होता है आपस में बराबर रहता, अगर हर एक गैप आपस में बराबर रहता तो क्या होता हम लोग को, लीनियर लाइन मिलती, ठीक। लेकिन ये गैप आपस में बराबर ना होने की वजह से क्या होता है, ये जो लाइन है वो लीनियर ना होकर नॉन लीनियर लाइन क्या होती है, मिलती है, ठीक। कुछ एक्सपोनेंशियल से या ऐसे कह सकते हैं कुछ पैराबोलिक से भी क्या होती है, ये ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये क्या आपका ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। ये जो आपका है ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक है, ओके। अब देखिए जब VGS इक्वल टू क्या है, वीपी है, उसका वैल्यू क्या है, माइनस फोर वोल्ट। यहाँ भी देखिए VGS इक्वल टू क्या है, माइनस वीपी है, और वीपी का वैल्यू क्या था, फोर वोल्ट। ये पॉजिटिव एक्सेस था, इस वजह से वीपी इक्वल टू फोर वोल्ट लिखे थे, तो यहाँ VGS इक्वल टू माइनस वीपी लिखे थे। ये निगेटिव एक्सेस है, निगेटिव एक्सेस है, यहाँ माइनस फोर वोल्ट लिख दिया है, तो यहाँ VGS इक्वल टू बस वीपी लिखेंगे। क्लियर, वीपी मीन्स पिंच ऑफ वोल्टेज, इतना चीज क्लियर। अब जब VGS वीपी के बराबर हो रहा है, अब देखिए VGS यहाँ वीपी के बराबर हो रहा है, क्या कोई ड्रेन करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहीं पे पिंच ऑफ आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे आगे यहीं से सैचुरेशन मिलना शुरू हो जाएगा, यहीं से ऐसे कांस्टेंट वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पिंच ऑफ पे पहुंचेगा तो पिंच ऑफ पे कोई करंट मिलने वाला नहीं है, तो इस पॉइंट पे जो ड्रेन करंट होगा वो क्या होगा, जीरो मिली एम्पियर के बराबर होगा। क्लियर, यही हम लोग का क्या है, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक है। क्लियर, अब जो जो हम लोग को इस कर्व से मिला है जानकारी उसको हम लोग क्या किए, लिख लिए हैं। क्लियर, अब देखिए ये लाइन यही लिखा गया था कि ID इज मेजर्ड एज सेचुरेशन करंट वैल्यू फॉर ईच VGS, ठीक। अब क्या किए हैं, हर एक VGS के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन करंट है उसी को हम लोग क्या किए, ऐसे प्लाट करते करते क्या किए हैं, इसी को मेजर करते हुए चले गए। क्लियर बच्चे, अब इसके करस्पॉन्डिंग कितना आईडी है तो यहाँ से निकल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आईडी वैल्यू कितना है ऐसे निकल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग और मिला कहाँ, इसके हर एक VGS के सेचुरेशन वाले पॉइंट से मिला हम लोग को हर एक आईडी का वैल्यू। क्या क्लियर हुआ, ओके। अब जैसे ही इसके नीचे वाला यहाँ पे क्या है, करंट जीरो हो गया, आईडी का वैल्यू क्या है, ये जीरो हो गया है, तो जब आईडी का वैल्यू जीरो हो गया इसका मतलब क्या है, अब हम लोग का जो जेफेट है वो कट ऑफ रीजन में चला गया है, अब किसी तरीके का करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक। जैसे ट्रांजिस्टर में आप कट ऑफ रीजन पढ़ते थे, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है, क्योंकि जैसे हम लोग का क्या है, VGS माइनस वीपी के बराबर होता है, तुरंत क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और जैसे मतलब जब ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो VGS ऑलरेडी माइनस फोर वोल्ट हो जाएगा, तो VDS जीरो वोल्ट ही रहेगा, तो VDS जीरो मतलब यहाँ पे, और वही क्या आपका पिंच ऑफ वोल्टेज है माइनस फोर वाला, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से कांस्टेंट करंट क्या होगा, ये जो सेचुरेशन पॉइंट वहाँ से करंट क्या होती है, कांस्टेंट ऐसे फ्लो होती, तो यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, सीधे लाइन ऐसे जाएगा, तो क्या लाइन कुछ करंट का वैल्यू पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर रहता वाई एक्सिस के लाइन तो पड़ता कुछ, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले वोल्टेज पे जो करंट है वो हम लोग का क्या है, पूरा का पूरा जीरो, मतलब हम लोग का फेट ऑफ कट ऑफ रीजन में, इसके नीचे जो रीजन है सब कट ऑफ, इधर का ब्रेकडाउन था, ये ओमिक रीजन था, ये हम लोग का एक्टिव रीजन था। क्लियर, अब देखिए इस ग्राफ से जो जो चीजें मिल रही हैं उसको हम लोग यहां पे नोट कर लिए हैं, तो क्या लिखे हैं, फ्रॉम द एबव कैरेक्टरिस्टिक इट इज क्लियर दैट, पहला पॉइंट क्या है, ड्रेन करंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन निगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज, कल हम लोग समझे भी थे। अब जैसे जैसे देखिए निगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे ड्रेन करंट क्या हो रहा है, तेजी से घटते हुए चला आ रहा है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, लिखे हैं ड्रेन करंट आई डी इक्वल टू आई डी एस एस वेन बी जी एस इक्वल टू जीरो। अब जो ड्रेन करंट आई डी है वो क्या है, ऐसे आप लिख सकते हैं, जो ड्रेन करंट आई डी है आई डी एस एस के बराबर है, कब, जब वी जी एस क्या है, जीरो, वी जी एस यहाँ क्या है, जीरो है, यहाँ भी देख रहे हैं वी जी एस क्या है, जीरो है, इज इट क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, तीसरा पॉइंट लिखे हैं ड्रेन करंट आई डी इक्वल टू जीरो व्हेन VGS इक्वल टू VP, तो देखिए VGS इक्वल टू VP है तो क्या है, ड्रेन करंट आई डी जीरो है, यहाँ पे समझ सकते हैं जीरो है। क्लियर, यहाँ पे निगेटिव साइन इसके आगे इस वजह लिखा गया क्योंकि वोल्टेज हम लोग पॉजिटिव एक्सिस के लांग पढ़ रहे थे, यहाँ ऑलरेडी निगेटिव एक्सिस के लांग पढ़ रहे हैं, इस वजह से VGS इक्वल टू VP लिख दिए हैं। क्लियर, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये जो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक था इसको समझ चुके हैं, अब आगे अगले वीडियो हम लोग कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ओके।
आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता हो तो आप कमेंट करके उसको ज़रूर पूछें, साथ साथ व्हाट्सएप पे भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।